रेडमी नोट 5 प्रो को जब इंडिया में लॉन्च किया गया था तो ठीक उसके बाद यहाँ पर चाइना में लॉन्च किया गया है। इंडिया में जो है डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट जो है साइमल्टेनियसली अवेलेबल नहीं है, यानी कि एक सिम में ही जो है आप 4G वोल्टी जो है एक्सेस कर सकते हैं, दूसरी में आपका 2G या 3G नेटवर्क रहता है। लेकिन जब चाइना में इसे लॉन्च किया गया था तो वहाँ पर डुअल 4G वोल्टी सपोर्ट अवेलेबल था। लेकिन यहाँ पर अब इंडियन यूजर्स के लिए भी काफ़ी अच्छी न्यूज़ निकल कर आ रही है कि यहाँ पर इंडियन यूजर्स को मिलने वाला है एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट, क्योंकि यहाँ पर जो MIUI 9 का नया अपडेट आएगा उसका यहाँ पर बीटा टेस्टिंग चल रहा है और वो यहाँ पर लीक हो गया है। दोस्तों सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है इसके बारे में, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन आपको नीचे दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक कर दीजिए और जो साइड में घंटी का आइकन आ रहा है उसको भी दबा दीजिए ताकि आप पाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर नया MIUI 9 का अपडेट आने जा रहा है, MIUI 9.8.2, जिसमें आपको जो है यहाँ पर एंड्रॉयड 8.1 का अपडेट मिलेगा, यानी कि अब आपको एंड्रॉयड ओरियो का अपडेट मिलने वाला है रेडमी नोट 5 प्रो में। साथ में जो यहाँ पर चेंजेस होने वाले हैं, जो प्रोजेक्ट टेरिबल है उसका भी सपोर्ट आपको मिलने वाला है अब रेडमी नोट 5 प्रो में, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर यहाँ पर ऐड किया जा रहा है। साथ में मैं आपको बता दूँ जो पिक्चर इन पिक्चर मोड है जो एंड्रॉयड ओरियो में उपलब्ध है वो भी अब यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। साथ में जो सबसे बड़ा अपडेट है जो मैंने बताया इंडियन यूजर्स के लिए काफ़ी बड़ा अपडेट ये निकल कर आ रहा है, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जियो का सिम यूज़ करते हैं और दूसरा किसी दूसरे ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। अगर वो दूसरे ऑपरेटर का सिम में अगर यहाँ पर नेट एक्सेस करते हैं तो जो उनका जो जियो का नेटवर्क रहता है वो यहाँ पर गायब हो जाता है। तो इसी प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ पर MIUI 9 का नया अपडेट आने जा रहा है और यहाँ पर आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलेगा, यानी कि एक साथ दोनों ही सिम में अब आप 4G वोल्टी नेटवर्क एक्सेस कर पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा अपडेट यहाँ पर आने जा रहा है रेडमी नोट 5 प्रो में इंडियन यूजर्स के लिए। और दोस्तों आप भी चाहते हैं कि अगर इस बीटा रोम को अपने रेडमी नोट 5 प्रो में इंस्टॉल करें तो उसके लिए यहाँ पर कुछ एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करनी होगी, यानी कि आपका जो बूट लोडर है वो अनलॉक होना चाहिए और जो सारा प्रोसेस है वो यहाँ पर दिखाया गया है जो XDA डेवलपर वेबसाइट है वहाँ पर ये न्यूज़ निकल कर आई है। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से जाकर आप इसके बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।